मैं जन सरोकार मंच पर व अजय फाउंडेशन की ओर से हम ये जो आयोजन कर रहे हैं, त्रिपाठी जी जो सेवानिवृत्त फिजिक्स के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर रहे हैं और पूरी तरह से समाज को समर्पित जीवन जी रहे हैं, मैं उन्हें 30 वर्षों से तो मैं जानता हूं। वो किताबी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि फील्ड में निरंतर उनका, जब भी मैं पूछता हूं, फोन करता हूं, तो कभी बेंगलोर मिलते हैं, कभी उत्तर प्रदेश मिलते हैं, कभी मेरठ मिलते हैं, जहां भी कोई अनरेस्ट है तो त्रिपाठी जी मौजूद है। मैं उनके समर्पण को सलाम करता हूं और हम हमारे साथी आपसे जो आपके अनुभव है, जीवन के जो अनुभव है, जो आपने समाज में काम किया है, युवाओं में काम किया है, उनसे हम रूबरू होना चाहते हैं और इसको समाज को बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे मौजूद जो समस्या इस समय मुल्क महसूस कर रहा है वो है मणिपुर का एक एक बहुत घटिया जो घटना पिछले 2-3 महीने से हुई है और वहां के समुदायों को निकाल दिया गया है। तो आपका इसमें, इस संबंध में क्या विचार है? ये मणिपुर की घटना किस तरफ हमारे मुल्क को ले जा रही है, क्योंकि सत्ता को उनके सरोकारों से, वहां की जो आदिवासी समाज है उनके सरोकारों से हमें कोई ऐसा लगता है कि उनको सत्ता को कोई मतलब नहीं है। आप क्या महसूस करते हैं? मैं अपनी बात ज्यादा नहीं कह करके आप ही की सुनेंगे, हम वो ज्यादा बेहतर है। तो आप कृपया मणिपुर के बारे में सविस्तार हम जानना चाहते हैं, आपका क्या, आपके क्या विचार? मैं 3 मई को जामिया मिलिया इस्लामिया में पर्चे बांटने गया था। मैं पर्चे का अनुमान ये था कि धर्म स्थान सादा हो, घमंड को घटाने वाले, इस तरीके का हमारा अनुमान। तो पर्चे बांट रहा था तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में गया तो उनकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मुझे बताया कि आज ही खबर आई है चूरा चांदपुर मणिपुर से कि वहां पर हिंसा फैल गई है। नहीं, मैं 4 तारीख को गया था, 3 तारीख की वारदातों ने बताई मुझे, 3 मई की, एक दिन बाद में गया था। तो मैंने बस उस वक्त तो लगा कि बुरा हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, मुझे उसके मैग्नीट्यूड का एहसास नहीं था। मैंने कहा कि लगता है कहीं किसी गांव शहर में दंगा भड़क गया होगा। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये तो पूरे राज्यव्यापी हिंसा है, जिस तरीके से गुजरात 2002 हुआ उस किस्म की हिंसा है। और हुआ ये कि बाद में मैंने तफसील से मालूम करने की कोशिश की, लेकिन JNU भी गया, वहां पे विद्यार्थी जो PhD कर रहे हैं, मणिपुर के कई विद्यार्थी मिल गया। तो मैं नहीं कह सकता कि वो किस कम्युनिटी के हैं, आदिवासी हैं कि गैर आदिवासी हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत की, मैंने उनसे मालूम करने को कहा। हमने कहा देखिए ये जो प्राइमरी हिंसा चल रही है 2 कम्युनिटीज के दरमियान है, मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, तो क्या दिल्ली में पढ़े लिखे लोगों में, प्रोफेसरों में और विद्यार्थियों में कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें दोनों कम्युनिटीज के लोग हो? क्योंकि ये लोकल लेवल पे तो पोलराइजेशन हो गया है, तो लोकल लेवल पे तो पोलराइजेशन हो गया है, लेकिन क्या यहाँ पर दिल्ली में ऐसा है? क्योंकि दिल्ली के लोग अगर इस पर कुछ इनिशिएटिव लेंगे मणिपुर वाले, तो उसका असर वहां भी पड़ेगा, ऐसा मेरे दिमाग में था। लेकिन मैंने इस पर कुछ किया नहीं और मुझे सचमुच शर्मिंदगी है इस बात की कि मैं अभी तक मणिपुर गया नहीं। 3 महीने होने को आ गए, मणिपुर गया नहीं। उसकी एक वजह तो ये थी कि मुझे उस समस्या को समझने में वक्त लगा
और दूसरा कारण ये था कि वहां पे इंटरनेट वगैरह सब बंद थे, तो लगा कि जाएंगे तो वहां पे हवाई अड्डे से बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, एक वो भी रहा, लेकिन ये मेरी गफलत रही, वो गलत रहा। तो खैर, जहां तक मैंने इस मसले को समझा है, मैंने ये महसूस किया कि करीब 35 लाख आबादी है मणिपुर की, और मणिपुर की करीब 10% जो एरिया है वो वैली है, इम्फाल वैली, और उसी में सारे के सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस, असेंबली, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हर किस्म के कारोबार वही हैं, और बाकी पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस इम्फाल वैली में 90% के करीब पॉपुलेशन तो है वो मेतेई कम्युनिटी की है, और टोटल जो आबादी है मणिपुर राज्य की उसकी आबादी का 53% मेतेई कम्युनिटी है और 17% कुकी है, लगभग इतनी परसेंटेज नागाज की है, एंड सो ऑन। करीब 40% वहाँ आदिवासी है कुल मिला के, और बाकी 60% उसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं। 3% है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है, लेकिन छोटा सा परसेंटेज उसमें कुछ लोग उसमें मुसलमान हैं, कुछ बौद्ध हैं, और एक लोकल कोई कम्युनिटी है वो है। तो जो जनरल्स वहां पे 19 सीट 60 असेंबली की सीट्स है, 60 में से 19 सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए, और जो 40 जनरल सीटें हैं उसमें से 39 सीटें मेतेई कम्युनिटी की है, आबादी उनकी 53% है, और उनकी तादाद 2/3 है असेंबली में, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट में उनकी पूरी से है, उनका जो मुख्यमंत्री है वो भी मेतेई कम्युनिटी का है, और वो एक तरीके से नॉन ट्रस्टवर्दी है, उसको कुकीज और नागा लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो इस तरीके का एक सेक्टेरियन किस्म का आदमी, या उस जिसकी सेक्टेरियन छवि है, मैं तो ज्यादा जानता नहीं उनके बारे में, बीरेन सिंह के बारे में, लेकिन जो अभी 3 महीने से उनका रवैया मालूम पड़ा कि उन्होंने इस सवाल में मेतेई, दोनों कम्युनिटीज में जो मेतेई और कुकीज के बीच में प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है, और मसले की शुरुआत इस बात को लेके हुई। वैसे तो 3-4 चीजें सरकार ने गलत पहले से ही कर दी थी। पहली चीज तो ये गलत की कि उन्होंने कहा कि पहाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ एक कानून यह बना हुआ है कई साल, मतलब आजादी के जमाने से, कि आदिवासी लोग ही हिल एरियाज में जमीन खरीद सकते हैं, और जो मेतेई कम्युनिटी है वो इकोनॉमिकली गरीब है, लेकिन कुकीज तो उससे बहुत ज्यादा गरीब है। तो इनका जो इलीट क्लास है, यही सब जंगल वगैरह के ठेके लेता होगा, मेतेई कम्युनिटी का व्यापारी वर्ग, यही वहां पर खदाने वगैरह होंगी तो क्रशर वगैरह चलाता होगा, उनसे माल निकालता होगा खदानों में से खनिज, और वही मांग कर रहा है कि हमारे लिए वहां पे जमीन, हमें एसटी का दर्जा दे दिया जाए ताकि हम वहां पे जमीन वगैरह खरीद सके। आज मैं पर्चे बांटता हुआ अभी थोड़ी देर पहले चांदनी चौक से लौट के आया हूँ, अभी आया हूँ आधा घंटे पहले, तो वहां पे भी हमें एक साहब मिल गए इस तरीके की बात करने वाले। कल साहब वो तो मतेई लोगों के लिए क्यों नहीं जमीन खरीदने का हक दिया जाता। मैंने कहा कि भाई इंदिरा गांधी ने 1971 में एक बात ऑब्जर्व की थी, और ये ऑब्जर्व की थी कि ग्राम सभा की जमीनों का जो पट्टा आदिवासियों को किया जाता है, वो आदिवासी तो गरीब है तो वो कर्जा ले लेता है किसी सूदखोर से जाके, महाजन से जाके, और उसपे अपनी जमीन लिखा देता है, तो 2-3 साल में जमीन डूब जाती है उसकी, यानी उसके हाथ से निकल जाती है और उस पैसे वाले के हाथ में चली जाती है। इंदिरा गांधी ने 1971 में कानून सारे देश के लिए बनवाया था कि आदिवासियों के लिए जो जमीन के पट्टे किए जाएंगे उसको सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकते हैं, दूसरा कोई नहीं खरीद सकता, जो मैं समझता हूँ बहुत जायज कानून था। और अगर हमारे देश के कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में अगर कुछ आदिवासी कम्युनिटीज के लिए इस प्रकार के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं तो बेजानी है, गलत नहीं है, क्योंकि उसके बहुत हल्की सी बात पर रेस्ट्रिक्शन है। और कई जगह जैसे कि आसाम में एक बोडोलैंड का इलाका है, 4 जिले हैं उसमें, कोकराझार, बक्सा, दरा, एक और 2 जिले और हैं, तो उन 4 जिलों को मिला के उन्होंने BTC बनाया हुआ है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। लगभग उसी किस्म की मांग कुकी कर रहे हैं अब कि हमारे ऊपर तो यहाँ भी हो जाएंगे
अगर इनको एसटी का दर्जा दे दिया तो हमारे लिए तो रिजर्वेशन वगैरह बेमानी हो जाएगा, लिहाजा हमारे लिए इस तरीके का जैसे राज्य वही रहे मणिपुर, उसके तहत बीटीसी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जैसा कोई प्रोविजन दे दिया जाए जहाँ पे हमारी हुकूमत रहे, क्योंकि जो इम्फाल में हुकूमत है भले ही हमारे लिए एमएलए की सीटें रिजर्व हैं लेकिन वो मैतेई कम्युनिटी का डोमिनेंट 2/3 मेजोरिटी उनकी आ जाती है तो एमएलए वो सारी की सारी पावर उनके हाथ में रहती है। तो एक मसला चल रहा है, मैतेई कम्युनिटी की तरफ से मांग उठ रही है कि साहब वो भी इलीट क्लास की तरफ से कि हमारे लिए एसटी का दर्जा दिया जाए, और उनकी मांग ये है कि जब से खासतौर से हिंसा चालू हुई कि साहब हमारे लिए तो अलग प्रशासन हमारा बन जाए ताकि हम पर के कातिलों के भी हमले हो और उनको शह प्रशासन की भी हो, तो कम से कम ऐसा प्रशासन तो हमारा हो जिसको उनकी शह ना हो। खैर ये तो मसला है। अब हुआ ये कि तीन बातें इस चीज के पीछे, वर्तमान संघर्ष के पीछे, पहली बात तो ये कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट करके कुछ इलाकों को चिन्हित किया है वहां की राज्य सरकार ने और कहा कि यहां से कुकी हटे, और फिर ये कह दिया कि साहब वो एनआरसी लागू होगी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, क्योंकि ये बहुत सारे वहां से आए हैं, म्यांमार से लोग आए हैं, वहां भी कुकी समुदाय के लोग रहते हैं, मिजोरम में भी रहते हैं, तो इस तरीके की मांग उठ गई सरकार की तरफ से या आवाज उठ गई कि साहब इनका तो हम वेरीफाई करेंगे। अब बाहर से तो आए होंगे 2% अगर आए भी होंगे तो वो भी मजदूर तबके के आए होंगे, मजदूर तबके के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें उनके साथ हमदर्दी से बात करनी चाहिए, उनके हक छीनने के लिए उनको खूंखार आतंकवादी बता के उनके साथ बुरा सलूक करने की जरूरत नहीं। यू कैन हैंडल दैट पॉलिटिकल लेवल पे, उसको बहुत आसान तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन यह तो नियत ये थी कि उनकी आड़ में जो जेन्युइन हिंदुस्तान के कुकी बाशिंदे हैं उनको जलील करना है, उनको एक सर पे तलवार लटकानी है कि यू डोंट बिलोंग हियर, तुम फिर प्रूव करो कि तुम यहाँ के नागरिक हो। तो इसलिए एक रिजेंटमेंट का बड़ा कारण तो ये हुआ। दूसरा बड़ा कारण ये हुआ कि आज से कुछ साल पहले, वो भी बीजेपी की सरकारी भी शायद, जब वहाँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज में, मैतेई कम्युनिटी में भी और ट्राइबल कम्युनिटीज में भी कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और हिंसा की वारदातें होती रहती हैं, शक है आपस में तो रहती हैं लेकिन व्यापक शक नहीं था, छोटा मोटा रहता है। तो 4-5 साल पहले समझौता हुआ था दोनों सरकार के दरमियान और कुकी मिलिटेंट्स के दरमियान कि सीज फायर रहेगा, उनके लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे और वो हिंसक कार्रवाई नहीं करेंगे, तो एक तरीके का एक मतलब सीज फायर जैसा चल रहा था। इन्होंने कहा हम हटाते हैं इसके लिए, हम तो गिरफ्तार करेंगे, और आप जानते हैं कि अगर किसी जगह एक आतंकवादी के नाम पे किसी को आतंकवादी गिरफ्तार होता है तो 10 लोग आतंकवादियों का समर्थक कह के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जुल्म होता है। तो ये चीज दूसरा रिजेंटमेंट का कारण था। और तीसरा बड़ा कारण ये खड़ा हो गया कि वो इन लोगों ने जो प्रपोजल दिया था सरकार को, वहाँ के एलीट क्लास ने के साथ हमारे लिए एसटी का दर्जा दिया जाए, तो किसी ने पिटीशन दायर कर दिया कचहरी में और कचहरी ने कहा, हाई कोर्ट ने वहाँ के कि सरकार को एक लिमिटेड समय में सरकार इस पर फैसला करे, और इंडिकेशन ये था कि उनको यानी एसटी का दर्जा दे, ये ऐसा इम्प्लिकेशन आया, फैसला में तो नहीं कहा गया कि उनको एसटी का दर्जा दे लेकिन कहा कि इस कार्रवाई इस चीज़ को आगे बढ़ाए, तो वो चीज़ बड़ा गलत मैसेज गया उसका। और जितने भी आदिवासी समूह हैं, नागाज, कुकीज, जो वगैरह, उनने तय किया कि हम 3 मई 2023 को एक विरोध प्रदर्शन करेंगे, और किया उन्होंने। इधर मैतेई खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। अब वैसे तो ये सेग्रीगेटेड है, हिल का इलाका अलग है और वैली का इलाका अलग है, तो ज्यादातर जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए कुकीज वगैरह के वो तो पहाड़ों पे हुए, लेकिन शहर के जो वैली है उसके नजदीक का जो चूरा चांदपुर वगैरह का जो इलाका है वहां पे भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए, तो इन लोगों ने काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन किए और हिंसा भड़क गई। अब अगर उसमें सरकार निष्पक्ष होती तो इसको एक दिन या दो दिन में काबू कर लेती, हालांकि पहले दिन ही बहुत बड़ी हिंसा हुई, 40-50 लोग मर गए, अगले दिन भी 40-50 मर गए, अब तक तो 150 लोग मर चुके हैं,
और 60,000 के करीब बेघर हो गए। ये सरकारी आंकड़ा है, पता नहीं कितने हुए। और ऐसे जुल्म हुए, जैसे वो लड़कियों का केस आया अभी सामने कि 4 तारीख को इतनी इतनी हिम्मत को तोड़ने वाली वारदात घटना घटी उन लड़कियों के ऊपर। एक कुकी लड़कियां थी और उनको घेर लिया और उनके ऊपर जो जुल्म ढाया उसका कोई मिसाल नहीं। तो इस तरीके की घटना पता नहीं कितनी घटी, मुख्यमंत्री कहते 100 घटनाएं घटी। हमारे प्रधानमंत्री में भी अगर हिम्मत होती तो वो भी कहते कि हाँ भाई हमारे गुजरात में भी ऐसी घटनाएं 2002 में घटी थी। और एक केस तो साफ तौर पर बिल्किस बानो का था जिसके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और उनके कातिलों को पिछले वर्ष छोड़ दिया गया। तो सरकार जो इस वक्त कह रही है कि साहब हमें बड़ा, मोदी जी ने कहा 2 दिन पहले कि साहब बहुत बुरा हुआ और ये देश को शर्मसार कर दिया, तो शर्मसार करने की घटना तो पिछले साल ही घटी जब उन कातिलों को छोड़ा गया। और इस तरीके आपने 2 शब्द उसके बारे में नहीं बोले। यहाँ पे भी मुख्यमंत्री कह रहा है कि 100 घटनाएं ऐसी घटी, तो आपने उसकी तहकीकात की क्या कि कौन कौन सी घटनाएं घटी, मालूम तो करते। तो ये चीज बहुत गलत हो चुकी है कि वहां पर एक तो पोलराइजेशन हो गया समुदायों के बीच में, और चूंकि मैतेई कम्युनिटी तादाद में बड़ी है, रिसोर्सेज में बड़ी है और सरकार उनकी है या उनके गुट की है, कॉन्सिक्वेंटली उसकी तरफ से इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत कम होती है। अब कुकीज के प्रति भी इतना कर पाते हैं कि नहीं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हिंसा काफी भड़क गई, पोलराइजेशन हो गया, दिल खट्टे पड़ गए, अब ये बहुत गलत हो गया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपसे इसी मसले पर, आपसे इसी मसले पर एक बात पूछनी थी जी कि ये जो मसला है ये कास्ट स्पेसिफिक मसला लगता है हमें, कास्ट स्पेसिफिक, कम्युनिटी स्पेसिफिक। आई आवाज सर? ये जो मसला लगता है मणिपुर का वो कम्युनिटी स्पेसिफिक लगता है, लेकिन सरकार इसको क्या कर रही है कि केवल महिला उत्पीड़न का मसला क्रिएट कर रही है और उससे और राज्य सरकारों को भी लपेट रही है, जिससे कि मणिपुर की जो समस्या है वो गौण हो जाए और महिला उत्पीड़न की समस्या प्रमुख हो जाए। जबकि सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो आपने बहुत सही बात कही, और वो भी बहुत टेम्परेरीली, एक दिन के लिए कहा उन्होंने, वो 36 सेकंड को, और उसके बारे में महिला उत्पीड़न को भी दरकिनार कर दिया। अब उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं उनके बाकी लोग। तो तमाशा ये है, और वो भी सही कहा आपने कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को घसीट के उसमें जबरन, मतलब ये मणिपुर का जो मुख्य सवाल है कि ये जो कम्युनिटीज के दरमियान सरकार डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट सहमति या निष्क्रियता की वजह से ये उबाल खड़ा हुआ दो कम्युनिटीज के दरमियान। वरना मतलब सदियों से रह रहे कुकीज और मैतेई और नागा साथ साथ, ये क्या तमाशा हुआ। वो तो एक अच्छी बात ये है कि इस वक्त तक वो हिंदू वर्सेस ईसाई वाला मसला खड़ा नहीं हुआ, अभी आदिवासी वर्सेस नॉन आदिवासी का सवाल है। इस वजह से थोड़ा सा सांप्रदायिक उतना नहीं आया ये, वरना कम्युनिटी, ये कम्युनलिज्म तो है ही, क्योंकि चाहे वो धर्म के नाम पर हो चाहे रेस के नाम पर हो, एक आदिवासी रेस है और एक नॉन आदिवासी रेस है। तो वो तो आपकी बात सही है कि ये मसला बहुत व्यापक खड़ा हुआ और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए वो उसका एक हिस्सा है। हाँ, मैं एक और बात त्रिपाठी जी के बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ कि आप एक बहुत शानदार मैगजीन सद्भावना मिशन पाक्षिक मैगजीन निकालते हैं, और उस मैगजीन में जो सामयिक सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर बहुत बेबाकी से और विवेकानुसार टिप्पणी की जाती है, और ये मैगजीन पूरे भारत में तो मिलती ही है, ये यूएसए में से भी छपती है इस मामले में, और ये बहुत पुरानी मैगजीन है, इसको आदमी को पढ़ना चाहिए और इसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पढ़ने के रूप में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी जी। दूसरा त्रिपाठी जी,
जैसा हमारा आजादी का आंदोलन 90 साल एक तरह से आजादी का आंदोलन चला, लगभग 57 से ही शुरू हो गया और 47 तक चला, और वो आजादी का आंदोलन तो था ही, वो पुनर्जागरण भी था। जी जी, वो एक तरह से भारत के विचार को स्थापित करने की जद्दोजहद भी थी। जी जी, तो अब हम उस भारत के विचार को एक तरह से खो रहे हैं। जी जी, तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है वापस, जी तो जी, इंडिया का एक रूप लिया है राजनीतिक पार्टी के रूप में, राजनीतिक समूह के रूप में, क्या ये आइडिया ऑफ इंडिया को पुनः स्थापित करने में कामयाब हो सकेगा? आप काफी इन सब में बहुत रुचि लेते हैं और आप जानते हैं और आप हजारों लोगों से मिलते हैं, तो आपके क्या विचार है कि क्या ये, क्योंकि जब तक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया केंद्र में नहीं रहेगा, हमारा समाज प्रेम और भाईचारे से नहीं रह सकता, सद्भावना से नहीं रह सकता, और हम सेकुलर जो हमारे जो वैल्यूज है और हमारा जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमारे आइडिया ऑफ इंडिया का है, वो पुनः स्थापित नहीं हो सकता। सही है, सही है। तो जी, आप हमें, आप इस दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं कि आप आइडिया ऑफ इंडिया क्या ये कोई रेस्टोर कर पाएगा हमारी जो जिस जिजीविषा से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और हर हर तबके को हमने उसमें शामिल किया और हर तबके की आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक अद्भुत संविधान हमारे मुल्क को दिया गया, आप क्या? जी जी, ऐसा है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में दो दफा तीन तीन दिन के लिए शरीक हुआ, तो राहुल गांधी में और बाकी सब जितने सेकुलरिस्ट लोग हम एक फर्क था, वो इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं सीधा बात हमेशा यही करता रहा कि देश में नफरत का माहौल है और नफरत इंसान के की आत्मा को नीचा गिराती है और शोषण को बढ़ाती है, गुलामी को बढ़ाती है, तो औजार है साम्राज्यवाद का और शोषक वर्ग का, ऐसा मैं कहता रहा। लेकिन राहुल गांधी ने उससे हट के बात करी, उसने कहा कि देश में नफरत जो है वो तो इक्का दुक्का जगह है, लेकिन बॉन्ड ऑफ लव परसिस्ट करता है, वही असली हिंदुस्तान की संस्कृति है, वही समाज का ढांचा है। तो उन्होंने इस तरीके से इस बात को रखा कि माहौल तो जरूर नफरत का है और मीडिया जो सरकारी मीडिया है या सरकार से प्रेरित मीडिया है वो हमेशा नफरत की बातें करता है या ऐसे मुद्दे उछालता है जैसे लगता है कि बहुत मारकाट मची हुई है और बड़ी घृणा है और कम्युनिटी साथ साथ नहीं रह सकती, लेकिन रहती रही है, सदियों से रहती आई है, साथ साथ रहेंगी। तो उन्होंने वो एक अलग पर्सपेक्टिव रखा। तो जब उनकी यात्रा दिल्ली आई और लाल किले के मैदान से जब उन्होंने कहा कि आप सामने देख रहे हैं जामा मस्जिद, उधर शीशगंज गुरुद्वारा है, उधर शंकर भगवान के शंकर पार्वती का मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, बोली हमारी संस्कृति है, यह है असली हिंदुस्तान, और यहाँ के घर देख रहे हैं सबके हैं, मुसलमान भी यहाँ रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो चीज यानी हिंदुस्तान का जो असली चरित्र है, असली रूह है हिंदुस्तान की, जिसमें हर शख्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट रिलीजन सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस करता है कि मेरा अपना वतन है, इसी से हिंदुस्तान एक सबका मुल्क बनता है। और हिंदुस्तान का ये जो असली तस्वर है, असली खाका है हिंदुस्तान का, जो असली नक्शा है, असली चीज हिंदुस्तान की है, वो यही है। तो इस आइडिया ऑफ इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो उन्होंने तो एक अलायंस बनाया, उसका नाम इंडिया पड़ गया वो, लेकिन इंडिया पे फोकस जरूर आ गया, क्योंकि उस अलायंस ने जिस मंशा से उसको नाम दिया, मंशा यही थी कि एक तो सरकार जो आज चला रही है घृणा वाला इंडिया, के यहाँ का एक खास धर्म का आदमी तो हिंदुस्तानी बाकी नहीं,
न केवल उस धर्म का बल्कि हिंदू धर्म में भी जो लोग हमारी विचारधारा को मानता है वो तो देशभक्त और बाकी देशद्रोही। तो इस तरीके का देश को जो अपना और गैर ऐसा डिवीजन जो किया है धर्म के नाम पे प्लस आइडियोलॉजी के नाम पे, अगर सरकारी आइडियोलॉजी से, आइडियोलॉजी क्या कहें, वो तो एक घृणा की विचारधारा है, उस विचारधारा में अगर आप लिप्त हैं तो आप देशी कहलाएंगे वरना परदेशी हो गए। तो इस तरीके का हिंदुस्तान का की रूह को ही मिटाने वाली बात थी। तो इस इन पार्टियों ने बेंगलोर में ये जो नया नाम इजाद किया अपनी मुहिम को, मैं समझता हूँ तुम्हारा सार्थक नाम है वो सचमुच इंडिया ही। तो दे वांट टू रिवाइव द सोल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की रूह को जगाना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए तपस्या की भी जरूरत है। इन पार्टियों के, सब पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपनी तरीके से इस बात को आर्टिकुलेट करना है कि हिंदुस्तान में दो किस्म का हिंदुस्तान आज़ादी के पहले भी था, एक असली हिंदुस्तान और एक वो हिंदुस्तान जो नफरत जिनके जहन में भरी पड़ी है वो लोग एक हिंदुस्तान की इमेज असली हिंदुस्तान पर थोपना चाहते हैं, यानी वो इमेजिनरी हिंदुस्तान। तो हमारे लिए असली हिंदुस्तान को जगाने का एक मुहिम चलानी है, ये कार्यकर्ताओं को चलानी है, उसकी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये इंडिया वाला आइडिया शुरुआत बहुत अच्छी है, और अगर कार्यकर्ता इसको उठा लेंगे तो अगले साल तक ये काफी फैल जाएगी मुहिम हिंदुस्तान में। आप लंबे अरसे से दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के लोगों से रूबरू तो होते ही है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया कि दिल्ली के मसले बजाय ब्यूरोक्रेसी ले, चुनी हुई सरकार लेने को ही हक है, जो प्रशासनिक जो आदेश है, पोस्टिंग ट्रांसफर के जो आदेश है, वो बजाय नौकरशाही ले या केंद्र सरकार ले, राज्य सरकार को ही ये अधिकार है कि राज्य सरकार चुनी हुई सरकार है। आप इस संबंध में क्या महसूस करते हैं और वहां की जनता क्या महसूस करती है? ये फैसला क्या लागू होने लायक है या ये भारत सरकार कामयाब हो जाएगी और जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं उसको वो छीन लेगी? मेरे ख्याल से ये बहुत आपने गंभीर सवाल उठा दिया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड कर दिया एक दफा, और बहुत सही डिसीजन था वो, मेरे ख्याल से उसको तो वेलकम हर क्वार्टर से किया जाना चाहिए था, व्यापारी तबका भी करता, प्रोफेसर तबका भी करता, जुडिस हर वकील तबका भी करता, डॉक्टर भी, सब तबकों को, मजदूर किसान सबको करना चाहिए था कि ये बहुत गंभीर चीज है, नॉट ओनली इन फेवर ऑफ दिल्ली सरकार बल्कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जितनी भी असेंबलीज हैं, वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, एमएलए हैं, उनको ही हक होना चाहिए कि अपने प्रशासन क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, उनके तबादले, उनका कंडक्ट का मुआयना वो खुद ही करें, ये तो बिल्कुल ही होना चाहिए। अब क्या हुआ कि कश्मीर से शुरुआत की इन्होंने, कश्मीर में 2019 में उनके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, उनका केंद्र का आदमी तुम्हें निगरानी करेगा, और फिर लग रहा था कि शायद 6 महीने में फिर राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। अब 3 साल में तो हुआ नहीं, 3 साल क्या, 19 में हुआ था, 4 साल होने को आ गए, अभी हुआ नहीं। तो और 4 साल में अगर आप सूरत देखें तो जब राज्य के अधिकार केंद्र के पास पहुंच जाते हैं तो जनता की नुमाइंदगी जीरो हो जाती है, जनता को वो चैनल के कोई ग्रीवेंसेस है किसी अधिकारी से तो किसके जरिए जाए, एमएलए है नहीं, और अगर एमएलए में कोई पावर ही नहीं है तो अधिकारी तो निरंकुश होगा। तो ये तो बहुत गलत हो गया। मैं समझता हूँ कि ये जो अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली राज्य सरकार के अधिकार को जो खत्म करने का एक कायदा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया वो ठीक नहीं है, और इसके रिपरकशंस बाकी राज्यों के लिए भी अगर ऐसा और कहीं कर लिया इन्होंने तो बहुत गलत हो जाएगा।
एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 9 सालों की ये जो सरकार है, मैं समझता हूँ आजादी के बाद ये एक नई तरह की, एक अलग तरह की सरकार रही है, और इसने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का लगभग गला गला घोट दिया है, जी, और इसके खिलाफ छोटे मोटे आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन ऐसी क्या हमारा मनोविज्ञान है, हमारे मुल्क के लोगों का है, मुल्क का, कि इतनी बड़ी का उतना बड़ा उत्पीड़न होने के बावजूद भी हमारे लोग खड़े नहीं होते हैं। एक बड़ी संख्या में खड़े नहीं हो पाए, या खड़े नहीं होते, या सोचते नहीं है। ऐसी क्या हमारी हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल दिमागी, क्या हमारे मुल्क में या हमारे लोगों में या हमारे समाज में ऐसी क्या कमी है? यदि इस तरह की जो है, इस तरह का उत्पीड़न किसी और मुल्क में होता, मैं समझता हूँ लोग खड़े हो जाते। तो ये सही। ऐसी क्या मतलब ये, और मैं तो साहब इन लोगों को 2002 से ही जनता के अनुकूल नहीं मानता, लेकिन जनता का बहुत, एक बड़ी जनता का डार्लिंग ये सरकार बनी हुई है, जबकि ये गलत है। कोई सुचिंतित आदमी ये कहेगा कि ये गलत कर रहे हैं। मीडिया जी, टोटल कंट्रोल्ड है, कोर्ट कचहरी भी लगभग कंट्रोल्ड है, नौकरशाही को भी कंट्रोल किया गया है, सारी जो और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं, लेकिन जनता खड़ी नहीं हो रही। जनता का एक एक पक्ष, एक छोटा सा खड़ा होता है, लेकिन वो काउंटर ताकत नहीं बन पाया है। ऐसी क्या क्या वजह से महसूस करते हैं आप? मैं महसूस करता हूं कि दो तीन कारण हैं। पहला तो ये कि जितनी इसके पहले की सरकारें थीं, व्यापारी वर्ग ने उनका मदद तो की, लेकिन आइडियोलॉजिकली सरेंडर नहीं किया उनके लिए, या उन पे अपना दबाव नहीं डाला। जैसे कांग्रेस की सरकार रही, तो कांग्रेस की सरकार में हिंदुस्तान के पूंजीपति, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो कई कारोबार व्यापारियों के हाथ में थे, कई सरकार के नियंत्रण में चल रहे थे। तो व्यापारी लोग सरकार को चंदा भी देते थे, और लेकिन अपने इंडिपेंडेंट उनकी सोच थी, और लार्जली उनकी सोच बीजेपी मुखी थी। राइट फ्रॉम 1952 हिंदुस्तान के व्यापारी, बड़ा हम संपन्न बारीकी की बात कर रहे हैं, का रुझान, भले ही कांग्रेस को चंदा देते रहे हो और दूसरी पार्टियों को चंदा देते रहे हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो मानते रहे कि ये जो सांप्रदायिकता है वो उनके फायदे की चीज है, क्योंकि उनको प्राइमरी दुश्मन उन्होंने माना कि यहाँ का किसान और मजदूर ये पैसे की मांग करता है और हमारे हितों के खिलाफ जाता है। कॉन्सिक्वेंटली पहला नंबर दुश्मन तो वो है, और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे ग्लोबली, पूरे दुनिया के जितने भी पूंजीवादी उद्योगपति और व्यापारी तबके के लोग थे वो मानते थे, और अफसर तबके के लोग भी मानते थे कि साहब मजदूर जो है वो हमारा नंबर 1 एनिमी है, और उसका नाम उन्होंने साम्यवाद दे दिया। हमारे यहाँ साम्यवाद तो नहीं था, लेकिन पब्लिक सेक्टर में चीजें चल रही थी, यूनियन बनती थी, ट्रेड यूनियन थी, कॉन्सिक्वेंटली हिंदुस्तान का व्यापारी तबका नंबर 1 दुश्मन इनको मानता था। और 1969 के बाद से उसने देख लिया कि जब गुजरात में और भिवंडी में दंगे हुए, उसके बाद से ये पॉलिटिकल डिविडेंड देने लगा, नफरत, ये सांप्रदायिकता, कि जो जो जहां दंगे करा तो उसी इलाके में आपकी पार्टी जीत जाएगी। तो व्यापारियों का रुझान उनकी तरफ मुड़ गया कि ये वो क्लास है सांप्रदायिक संगठनों का या पार्टियों का जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करता है। और अब तो उजागर हो गया कि जिस तरीके की सरकार केंद्र में चल रही है, उसकी साठगांठ है, प्रधानमंत्री की साठगांठ है उच्चतम घरानों से, ये तो सामने साफ आ गया है। लेकिन उन दो चार घरानों के अलावा भी मैं महसूस करता हूं कि हिंदुस्तान के व्यापारियों में भी खुले दिमाग के लोग होंगे, हैं, लेकिन बड़ी तादाद, जैसे क्लास की बात मैं कर रहा हूं, कि वो लोग जब से ये मीडिया के तमाम चैनल उनकी मुट्ठी में आ गए, उनकी ताकत बढ़ गई, तो अब वो महसूस करते हैं कि
इस सरकार से हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सर्व हो रहे हैं और हमारे ऊपर सरकार की जो रहमो कर्म मेहरबानी, हमारी जो बिल्कुल समाज के दूसरे तबकों से ज़्यादा ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो हमारे लिए कर्जे भी माफ़ हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इस पर पर्दा पड़ जाता है सांप्रदायिकता की वजह से। इसलिए ये जो हिंदुस्तान का आवाम खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, कारण ये है कि बाकी मुल्कों में जब भी अपराइजिंग चालू होती है, विद्यार्थियों से मान लो चालू हुई किसी चीज़ को लेके, जैसे वियतनाम वार को लेके अमेरिका में विद्यार्थियों ने आंदोलन खड़ा किया, हमारे हिंदुस्तान में भी जयप्रकाश नारायण के जमाने में एक आंदोलन खड़ा हुआ, तो उसमें व्यापारी तबका भी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इस वक्त तो सब जो व्यापारी तबका है वो सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, उनका मीडिया सरकार के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी पार्टियां आई हैं। अब जैसे कांग्रेस तक हिम्मत नहीं कर पा रही थी, अब तो हिम्मत की है, पिछले 6-8 महीने में कांग्रेस ने भी हिम्मत की है, पोजीशन ली है, लेकिन जनता को आंदोलित करने का काम दो तरीके से हुआ, एक तो शाहीन बाग वाले आंदोलन ने किया और एक किसानों ने किया, और दोनों नॉन पॉलिटिकल थे। हालांकि शाहीन बाग सीएए के सवाल पे कांग्रेस ने भी बड़ी रैली की थी दिल्ली में और जयपुर में, तो उन्होंने उसको मदद तो की, लेकिन प्राइमरीली जो जन आंदोलन खड़ा हुआ वो जनता के बूते पे हुआ, शाहीन बाग का भी और किसानों का भी। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्टिंग रोल में थोड़ी बहुत रही, लेकिन लीड तो किसानों ने किया और वहाँ पे शाहीन बाग की महिलाओं ने किया, तो वो आंदोलन है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि वो बिल्कुल छोटी पॉकेट्स तक सीमित रह गए, बड़े पैमाने पे जब डेमोक्रेटिक संस्थाएं खत्म हो रही हैं, कि जुडिशरी पे भी हमला है, पुलिस एक तरफा है, ईडी का दुरुपयोग है, पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, पीएमओ सरकार चलाता है, एमएलएज वगैरह की कोई वक्त नहीं है, ये बात तो सही है। और मुझे लगता है कि नाउ ग्रेजुअली जब पॉलिटिकल पार्टीज में हिम्मत आ रही है, इंडिया बना लिया उन्होंने, तो होपफुली नेक्स्ट 8 months they will be able to assert and carry masses with them, तो आवाम के साथ जुड़ेंगे तो फिर इंकलाब आने की सूरत पैदा होगी। अब आपको थोड़ा मैं आपको ग्लोबल लेवल की बात जो आपके संपर्क में रहते हैं, आप 90 के दशक में जैसा आप जानते हैं एक नई उम्मीद जगी थी और नए नए शब्द लिए गए, उदारवाद, वैश्वीकरण, वो जो, और एक नई उम्मीद भी जगी थी कि भी दुनिया शीत युद्ध से मुक्त हो जाएगी और पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी का वर्ण होगा, पूरी दुनिया लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर आ जाएगी, हथियारों की जो मार है, दौड़ है, वो कम हो जाएगी। लेकिन उसकी जगह एक रेसिज्म का दौर शुरू हो गया। जी जी जी, केवल हमारे देश में है बल्कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में रेसिज्म का दौर पर आ गया है या दस्तक दे रहा है, और इसके कारण लिबरल डेमोक्रेसी कमजोर पड़ने लगी है, जो अटल फ्रेंचाइज है वो कमजोर पड़ने लगा है। जी जी जी, तो ये बहुत बहुत चिंता का विषय है कि बजाय शीत युद्ध समाप्त होने के बाद में लिबरल डेमोक्रेसी मजबूत होती, हम एक तरह से रेसिज्म की तरफ या फासीवाद की तरफ या मोनोपोली की तरफ या ज्यादा ज्यादा दबाव की तरफ हमारी दुनिया जा रही है, और हथियारों की होड़ कहीं कम नहीं हुई। आप देखते हैं यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोनों ताकतें जो है उस युद्ध को बढ़ा रही है, दोनों ही ताकतें रिलेंट करने के लिए तैयार नहीं, और आम जो यूक्रेन वासी है, रशियन वासी है, उसकी कीमत चुका रहे हैं। क्या आप क्या महसूस करते हैं, क्या उदार लोकतंत्र पुनः स्थापित हो पाएगा, या हम उस रेसिज्म के कटघरे में, न केवल हिंदुस्तान पर दस्तक दे रही है रेसिज्म, पूरी दुनिया भी उसको वर्ण कर लेगी। आप तुर्की में लीजिए,
आप इवन रशिया में लो, आप अमेरिका में भी ट्रंप, इसलिए अमेरिका फर्स्ट का, और मुल्कों में भी जो है, मेरा बेटा नीदरलैंड में, वो कहता है कि अब धीरे धीरे रेसिज्म बढ़ने लगा यूरोप में, ये बहुत चिंता का विषय है। सही, क्या क्या महसूस करते हैं? ये बात आपने बड़ी बहुत बहुत ही गंभीर मसला है। ये मैंने महसूस किया जब 1990 में लिबरलाइजेशन का दौर चालू हुआ, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस हुआ कि सोवियत यूनियन के 15 टुकड़े हो गए और यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई। तो लोगों ने सोचा कि जब यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई तो पहले अमेरिका इंटरवीन करता था दूसरे मुल्कों में, ये बहाना बना के साहब सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन का खतरा है, इसको रोकने के लिए हम जा रहे हैं। जब सोवियत यूनियन टूट ही गया तो आपको जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन 1991 में इराक की जंग हो गई, 90 में टूटे और एक साल के बाद वो इराक की जंग हो गई, खाड़ी जंग तेल के सवाल पर। और उसके बाद रुवांडा में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, कई मुल्क, सर्बिया वगैरह का सवाल आया, योगोस्लाविया टूटा ना, उसमें सर्बिया और क्रोएशिया और वगैरह का तमाशा आया। और अफ्रीकन कंट्रीज में कहने को तो नेल्सन मंडेला का या साउथ अफ्रीका आजाद हो गया, लेकिन तभी कम्युनिकेशन के नए नए चैनल्स आ गए। जहां सरकारी एक टेलीविजन होता था चैनल, उसकी जगह 500 चैनल आ गए और सारे के सारे लिबरलाइजेशन के नाम पे प्राइवेट हैंड्स में आए। तो उनका तो मंशा ये थी कि समाज को तोड़ के रखो ताकि हमें बिल्कुल खुली छूट मिली रहे। तो रेसिज्म हैज बीन ए फ्रेंड और ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास, तो उनका तो बिल्कुल चाहते ही थे कि, तो इसलिए जो आपने कहा वो उसका मुख्य कारण ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड होने के बावजूद दुनिया में बाहरी खतरे का बहाना ना बना के अब अंदरूनी ही तोड़ फोड़ पैदा करो, तोड़ो समाज का, ध्रुवीकरण करो, और वो हुआ। तो ये तो हमारे हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें, 19 के पहले हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी काफी मजबूत थी, धीरे धीरे, और हम इस मुकाम पे आ गए। पिछले 10 वर्ष में तो एकदम ही मिट्टी में मिल गए, हमारी संस्थाएं खत्म हो गई, यूनिवर्सिटी परिसर में खुली चर्चा नहीं हो सकती, अगर कोई आदमी बातचीत करने जाता है तो उस पर जुबान बंद करके जाए वरना सिक्योरिटी गार्ड निकाल देगा। या राहुल गांधी गए थे कुछ बच्चों से मिलने हॉस्टल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, तो उनके लिए चिट्ठी आ गई, राहुल गांधी को चिट्ठी आ गई, तो बाकी की अहमियत क्या पड़ेगी? जिन कैंपसेज में मैं जाया करता था उसमें जाने की रोक है, रोक माने मुझे रोक नहीं, मतलब इन जनरल कि कोई भी आदमी, बाहर का आदमी आए तो पहले वाइस चांसलर से परमिशन लेके क्यों आया, क्यों बुलाया, अब इतनी कागजी कार्रवाई कौन करेगा, तो कोई बुलाता नहीं। तो इस तरीके से ये जो दौर है लिबरलाइजेशन का, इस सेंस में तो थोड़ा फायदा हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में आउटसोर्सिंग की वजह से बाहर के काम आए तो मध्यम वर्ग का दायरा फैला, कुछ रोजगार बढ़े, और कंप्यूटर का जमाना भी उसी से साथ जुड़ गया कि जब दुनिया में से कम्युनिज्म खत्म हुआ उसी वक्त एक कंप्यूटर का जमाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, तो कुछ रोजगार बढ़ गए। तो रोजगार बढ़ गए तो जिन लोगों के हाथ में वो ऐसे रिसोर्सेज थे उनकी ताकत बढ़ गई और वो एकदम डोमिनेट कर गए। तो अब उसका असर अब सामने आ रहा है, यानी 1990 से लेके 2014 तक जो चीज़ें सरफेस पे नहीं आई थी नेगेटिव असर, वो नेगेटिव असर 2014 के बाद सीधे सामने आ गए कि हमारी आज़ादी को मीडिया ने ख़त्म किया, सरकारी संस्थाओं ने ख़त्म किया, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे वाइस चांसलर और ऐसे प्रिंसिपल बिठा के कि जो खुली सोच को कतई पसंद नहीं करते उनको बिठा दिया गया। तो डेमोक्रेसी नॉट ओनली कि वोट डालने का काम है, डेमोक्रेसी डे टू डे लाइफ में डेमोक्रेटिक होती है, फंक्शनिंग एक संस्था की डेमोक्रेटिक होती है कि वहाँ मिल विचार के फैसले किए जाते हैं, दबाव से या धमका के फैसले नहीं कराए जाते, उसी को डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कहते हैं, और वो मिटी है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि लिबरलाइजेशन से रोजगार वगैरह तो कुछ फैले हैं,
लेकिन शोषण रुका नहीं है, बेरोजगारी का सवाल हल हुआ नहीं है और डेमोक्रेसी या रेसिज्म बढ़ जाने से डेमोक्रेसी की जड़ें कट रही हैं। इसलिए और अपराइजिंग का आपने खुद ही सवाल उठाया कि क्या बात है कि इतनी बेरोजगारी के बावजूद, इतनी ह्यूमिलिएशन के बावजूद, आज़ादी पे हमले के बावजूद मास अपराइजिंग क्यों नहीं हो रही है। मैं सोचता हूँ वो होने के आसार अब बन रहे हैं, तो अगले साल दो साल में वो चीज़ हिंदुस्तान में भी और कई जगह होगी। अभी वैसे मैं यूरोप के बारे में सच में चिंतित हूँ, जैसे वो मार्केला एंजल थी जर्मनी की, जब सीरिया से लोग भाग के गए बड़ी तादाद में तो 10 लाख लोगों को शरण दी उसने, उसी तरीके से वो एक लड़की वहाँ की थी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, बड़ी हिम्मत वाली है वो भी, तो ऐसी कुछ महिलाएं तो आई थी, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, वो हिम्मत वाली बात है। लेकिन बाय एंड लार्ज आपका बिल्कुल फिक्र जायज़ है, आपका बिल्कुल सही सोच है और मैं ऐसे सहमत हूँ कि इस वक्त डेमोक्रेसी चुनौती का सामना कर रही है। आप जानते हैं कि हम बच्चों में कुछ काम करते हैं जी, हमने महसूस किया कि जो ग्रोनअप लोग हैं उनको आप समझा भी दो तो वो एक्शन में वैसे ही रहते हैं, वही धर्मांध, वही जातिवादी, वही स्वार्थी, तो थोड़ा बच्चों का बचपन बचाया जाए, हमने ये हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जी जी जी, हम ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे वीडियो बच्चों को दिखाते हैं जो वैज्ञानिकता डेवलप करे, वैज्ञानिक सोच डेवलप करे, स्वतंत्र सोच डेवलप करे और उनमें अंधविश्वास की जगह एक अपने स्वतंत्र ढंग से सोचने की प्रवृत्ति विकसित हो। आप इस संबंध में हमें कोई राय देना चाहें जो जिससे हम थोड़े और बच्चों में ज्यादा, बच्चे ज्यादा कामयाब हों, बच्चों में ऐसा क्या करें जिससे बच्चे ज्यादा मोटिवेट हों कि बच्चे जाति है, धर्म है और ये जो कैरियरवाद है ये भी मैं तो समझता हूँ एक, ये भी एक इससे भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं होता, वो तनाव में रहता है। हम लोगों ने अपनी शिक्षा ली तो हमको ने पढ़ाई का कोई तनाव ही नहीं था और अब बच्चा जो है दूसरी तीसरी क्लास से ही तनाव में आ जाता है, वो कुछ कर भी नहीं पाता है और वो फिर बाद में यदि वो IIT कर भी लेता है तो वो केवल उद्योगपति का एक टूल बन जाता है। सही, ह्यूमन बीइंग के रूप में उसके डेवलप करने की संभावना धीरे धीरे कम हो रही है और तो कैसे हमारे जो बेचारे बेसहारा लोग है या मुल्क के लोग उनके लिए कौन काम करेगा, जब युवा पीढ़ी का की जो प्राथमिकता है वो रिजॉर्ट है या बेटर पे पैकेज है तो कौन इस मुल्क को बचाएगा, इस मुल्क को कौन, और ये बड़ी चुनौती है। इसमें एक जो है गिलहरी जैसे अपनी कोशिश करती है वैसे हम कर रहे हैं, हम इतना कामयाब होते हैं वो अलग बात है लेकिन हम ये कोशिश करते हैं और हमारा जो प्रयोग है वो ये भी रहता है कि बच्चों को मोटिवेट करें कि आप क्वेश्चन पूछो। जी जी जी, बजाय हम वहाँ भाषण देने के हम बच्चों से ही कहते हैं भाई आप क्वेश्चन, हम आपके क्वेरीज को थोड़ा पूरा करेंगे, सॉल्व करेंगे और बच्चों से भी कहते हैं भाई आप भी जवाब, जैसे बच्चे सोच रहे, बच्चों ने सोचना अलग तरह सोचना ही बंद कर दिया है। आप क्या इस संबंध में कोई राय आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत व्यापक अनुभव है। जी, पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि बच्चों की जहनियत पे शब्द कम असर डालते हैं, टेम्परामेंट ऑफ द स्पीकर, टेम्परामेंट ऑफ द टीचर, इसकी जिंदगी असर डालती है। और जितना मैंने आपको 30 बरस में देखा है आज तक मैंने आपको बनावटी बात करते हुए या अपनी बात एग्रेशन से कहते हुए
या थोपते हुए नहीं देखा। यही पॉजिटिव साइंटिफिक थिंकिंग है और आप एक रोल मॉडल हैं हर विद्यार्थी के लिए। मैं बल्कि जब जब भी आपसे बात करता हूँ मुझे खुद इंस्पिरेशन मिलती है, मैं तो बहक जाता हूँ, कई बार गुस्सा हो जाता हूँ, एसर्ट करता हूँ। आप में एसर्शन नहीं है जबकि आपकी बात में वजन है, इस वजह से बात असर करती है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो एक तो सबक हमें और सबको आपसे ही सीखना है और ये चीज बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी बात जो आपने सरोकार बच्चों के उठाए कि घर में कैरियर पे ज्यादा जोर है, मैं अपने परिवार में देखता हूँ। जब मैं 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ा, जैसे तैसे पास हो गया 12वीं। अब मैं तो सोचे जानता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग भी कोई चीज होती है, तो कोई कंपटीशन का सवाल नहीं था। लेकिन जब 12वीं पास हो गया तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आगे पढ़ लूँ, मैं भी चाहता था पढ़ लूँ। तो फिर यही लगता था कि अभी 12वीं पास की तो 14वीं पास करनी है, नहीं BSc करनी है। तो BSc में अपने ललितपुर के पास झांसी जिले में एक प्राइवेट कॉलेज था, उसमें चला गया। जब BSc कर लिया तब सोचा यार MSc भी करनी है, तो वो चला गया। तो कोई कंपटीशन की तैयारी वगैरह कुछ नहीं, कोई दिमाग में था ही नहीं। एक सिंगल ट्रैक था कि भाई 12वीं कर ली, अब 14वीं कर ली, अब 16वीं कर ली। तो इस तरीके से मेरी पढ़ाई हो गई। जब मेरे बच्चे आए तब तक एक नया आ गया कि भाई IIT नाम की कोई चीज़ होती है और जो उसमें कामयाब हो जाता है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मेरे बच्चे उसमें पढ़ गए, अब उनका दिमाग में प्रेशर रहा तो 11वीं 12वीं की जिंदगी बर्बाद हो गई। खैर अब वो कहीं ना कहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कर लिया, तो अब उनके बच्चे आ गए। अब जो नई जो जनरेशन है, यानी मेरी बात की तीसरी जो जनरेशन है, उस बीमारी से फिर जूझ रही है। जबकि आजकल मैं महसूस करता हूँ कि जब मेरे बच्चों का, मेरे बेटे और बेटी का करियर का सवाल था, उस वक्त लिमिटेड ऑप्शंस थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 1.5 लाख इंटेक था, आज 17.5 लाख है, यानी 17.5 लाख बच्चे दाखिला ले सकते हैं BTech में। फिर BCA वगैरह के ऑप्शंस खुल गए, तब नहीं थे। तो आज रिलेटिवली दूसरा ये कि आपने BSc भी कुछ भी कर लो तो उसके बाद फिर ऑप्शंस होते हैं कि आप MBA कर लो, कुछ और कर लो, बाहर चले जाओ। तो ये ऑप्शंस हैं, लेकिन वो एक IIT में जाना है, MA करने के बाद IAS बनना है, ये हमने कुछ पाल रखी चीज़ें। मैं इस मामले में बड़ा भाग्यशाली रहा कि जब मैं 12वीं पास करके BSc करने झांसी गया, और अपने 12वीं तक तो अपने घर के मकान में रहता था, और BSc पढ़ने गया तो किराए के मकान में रह के वो खाना बनाना पड़ता था। देन आई रियलाइज के आम आदमी कैसे ज़िंदगी बसर करता होगा। बारिश के दिनों में लकड़ी गीली और जलती नहीं थी, तब जब मैं चूल्हे में जलाता था तो, या कोयला गीला होता था तो जलता नहीं था। तो हमें देन आई रियलाइज कि भाई मेरी माँ को क्या तकलीफ होती होगी, हमारे गाँव के लोगों को क्या तकलीफ होती रोटी पकाने में। देन आई रियलाइज के हमारे हिंदुस्तान का जो अफसर तबका है वो बहुत ही क्रूर है और मुझे अफसर नहीं बनना है। इसी तरीके से मिलिट्री और पुलिस की नौकरी से मेरा दिल उचट गया, क्योंकि मैंने जब उनका रौब देखा तो मेरा उससे दिल उचट गया। तो मैंने कहा मुझे नौकरी ये तो नहीं करनी। अब क्या बचता है, कुल मिला के मास्टरी की नौकरी बचती है, तो हमने कहा देखा जाएगा क्या करना है। तो आज लेकिन बच्चे, माता पिता बच्चों पर मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा कैरियर पे जोर डाल रहे हैं। जोर डालना चाहिए कि बच्चे जो पढ़ें उसको समझें और उसमें आनंद लें। पढ़ाई वही मज़ेदार है जिसमें कि जिस प्रकार एक गाना गाने वाले को गाने में मज़ा आता है, गायक को, उसी तरीके से पढ़ाई बच्चे को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई वही मज़ेदार जो होती है, वही अच्छी पढ़ाई है। वरना पढ़ाई घमंड पैदा करती है, क्लास सेग्रीगेशन पैदा करती है, मैं ज़्यादा होशियार हूँ इस दुर्भावना को पैदा करती है, ताकि आप दूसरों को अपने से कमतर आंकें या अपने आप को दूसरों से कम आंक के खुद जलील हो। मैं समझता हूं कि कैरियर का मोह ठीक है भाई, थोड़ा बहुत उसका ख्याल करो, लेकिन उसका इतना ख्याल ना करो कि आपकी सेंसिटिविटी मर जाए। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, और आज ऐसी सूरत पैदा हो चुकी है जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में BA BSc BCom BTech वगैरह पास कर लेगा, वो गुजारा कर लेगा अपना। इसमें ओवरटली कि हमारे बच्चे को तो 20,000 तनख्वाह मिलती है, उसके बच्चे को तो 2 लाख मिलती है, आपका बच्चा 20,000 में भी गुजारा कर लेगा, उसकी तनख्वाह अगले साल 25,000 भी हो जाएगी, फिर 40,000 भी हो जाएगी, और उसमें गुजारे के लिए काफ़ी है। आपका बच्चा 2 कमरे के मकान में गुजारा करेगा, दूसरा 5 कमरे के मकान में गुजारा करेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट।
बल्कि आपने सही आपने बात कही कि आप मशीन का पुर्जा बन जाएंगे। बड़े बड़े आईएएस अफसरों को मैंने देखा, बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों को इंजीनियरों को देखा, यू बिकम ए पार्ट ऑफ ए मशीन। आपका वजूद कुछ नहीं है, यू कैन नॉट टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन। एक सिस्टम बना हुआ है, उसी के हिसाब से आपको भाई मकान ऐसा बनवाना है, मशीन ऐसी लगवानी है, मार्केटिंग ऐसी करनी है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसका आप पुर्जा बन गए। क्रिएटिविटी तो तब पैदा होती है जब आपके आसपास 100 वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई इनोवेशन का तरीका ऐसा निकालो कि ताकि उनके काम थोड़े आसान बन जाए और उनकी आमदनी में इजाफा हो। दैट इज ए क्रिएटिव यूज ऑफ योर टैलेंट। बच्चों को पढ़ाने में आपका टैलेंट इस बात में लगना चाहिए कि जो बच्चा आज किसी चीज को लेकर डरता है, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप उसको आसान से आसान तरीके से वो चीज समझा सको। दिस इज योर क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी इन कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी इन रिमूविंग ह्यूमिलिएशन, इसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। एंड देर आर लॉट ऑफ देर इज लॉट ऑफ इसको, वेदर यू आर ए लिटरेरी फिगर, चाहे आप साहित्यकार हो, कवि हो, संगीतज्ञ हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर, कुछ भी हो, आपके टैलेंट का इस्तेमाल समाज को हो, और वो तभी होगा जब आप कैरियर छोड़ के जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आनंद लें। और जिन लोगों से आपका व्यवहार पड़ रहा है उनको आंखें नहीं, उनके अचीवमेंट्स के आधार पर, उनकी जात के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, उनकी हैसियत के आधार पर, उनके नंबरों के आधार पर ना आके किसी को। एवरीबडी जो संसार में पैदा हुआ, चाहे वो कम अकल वाला गांधी जैसा बेचारा, कम अकल का था गांधी, उसको ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आते थे, उसी क्लास में कुछ बच्चे थे जिनके ज्यादा अच्छे नंबर आते थे, वो ज्यादा चालाक चतुर थे, लेकिन कुल मिला के जिंदगी गांधी ने बेहतर जी। और गांधी बसी सेंस में हम सबके लिए एक अपनी चीज है कि क्योंकि हम भी वैसे ही उतनी मेंटल फैकल्टी हम सब की है जितनी गांधी की थी। एंड कॉन्सिक्वेंटली वी कैन लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, ए लाइफ ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेंसिटिविटी। आप और हमें कोई संदेश देना चाहें? एक गजल सुनाना चाहता हूं अगर आपके बच्चों को। अभी मैंने रिसेंटली एक गजल लिखी छोटी सी, तो उसके कई दो तीन शेर सुना दूं क्या? एक कठिन जो काम है पहले वो कीजिए, सबसे कठिन जो काम है पहले वो कीजिए, खुद गर्जी से दिमाग को आजाद कीजिए। खुदगर्जी माने सेल्फिशनेस, घमंड और स्वार्थ, शोषण की तलखियों को बढ़ाती है नफरतें, रंजिश को अपने पास फटकने न दीजिए, रंजिश को अपने पास फटकने न दीजिए, चाहे अगर ये दिल तो समंदर है प्यार का, तासुब से इसका दायरा, तासुब माने जलन और नफरत, तासुब से इस कदायरा छोटा न कीजिए। एक शेर है, बाजार में खड़े हैं मगर बेजुबान है, बाजार में खड़े हैं मगर
बेजुबान है। कुछ भी हो पर जमीर का सौदा न कीजिए। आखिरी शेर है, सौदा न कीजिए। लग जाए घर खरोच तो मातम न कीजिए। जिंदा जो जल रहे हैं उन्हें भी तो देखिए। जिंदा जो जल रहे हैं उन्हें भी तो देखिए। शुक्रिया। हाँ सर, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपका हमने अमूल्य समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुक्रिया।